हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस क्लास। आई एम ज्योति केशी फ्रॉम अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट। सो गाइस, टुडे लेक्चर इज द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन अ प्रीवियस क्लास आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आज की क्लास में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो डोंट स्किप दिस वीडियो एंड बिफोर स्टार्ट द लेक्चर आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हाट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या एग्जैक्टली? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपको वर्ड से क्लियर होगा, पास्ट में कोई भी एक्शन रेगुलर बेसिस पे कॉन्टिन्यूटी में हैपन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, वो पढ़ा रही थी, वो स्कूल जा रही थी, वो खाना बना रही थी, कल वो कॉलेज जा रही थी। एक स्पेसिफिक टाइम पे कोई भी एक्शन पास्ट में रेगुलर बेसिस पे हुआ हो या कॉन्टिन्यूटी में हुआ हो, उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं गाइज। तो व्हाट्स द एजेंडा ऑफ द क्लास? एजेंडा ऑफ द क्लास इज सेकेंड विथ एग्जाम्पल्स एंड आई विल सॉल्व सम प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इज इट क्लियर? आई विल शो द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने आपको बताया, एक्शन हैपन इन द पास्ट इन कॉन्टिन्यूटी बेसिस, कोई भी एक्शन कॉन्टिन्यूटी बेसिस में पास्ट टाइम में हुआ, स्पेसिफिक टाइम पे हुआ हो। जैसे मैं कल क्लास ले रही थी, मैं कल कॉलेज जा रही थी, मम्मी मेरी मार्केट जा रही थी, सच टाइप ऑफ द सेंटेंसेस इन अ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन हियर व्हाट्स द डेफिनेशन। सी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट and often continued for a short period of time after the action is started. Is it clear? कोई भी action कुछ short time के लिए past में start हुआ हो, एक regular basis पे हुआ हो, उसको हम past continuous tense कहते हैं। And this tense describe action or event that happened at a specific time in the past. वो action to specific time पे past में हुआ हो, उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, कल मैं क्लास ले रही थी, कल मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्लास ले रही थी। यस्टरडे आई वॉज टेकिंग क्लास ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज इट क्लियर? यहाँ पे जो यस्टरडे के टाइम है वो स्पेसिफिक टाइम मैंने बताया। इज इट क्लियर? व्हाट्स द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का? चलिए वो हम देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज द वाज एंड वर, वाज एंड वर। एंड द सेकेंड थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, विथ विच सब्जेक्ट आई कैन यूज द वाज एंड वर। कौन से सब्जेक्ट के साथ हम वाज एंड वर यूज करते हैं गाइस? तो वो हम डिस्कस करेंगे। वाज के साथ हम आई, ही, शी, इट, नेम का ही यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब वॉज, हम आई, ही, शी, इट, नेम के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। एंड यू, दे एंड वी के साथ हम वर का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? फिर से आप देखो अगेन, वॉच हेल्पिंग वॉज हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या यूज करेंगे? ही, शी, इट एंड नेम, कोई भी नेम हो पर्सन का, उनके साथ हम वर्स का यूज करेंगे। एंड आई, ऑल्सो यू एंड वर, यू, दे एंड वी। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सी यू, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। शी इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन अ पर्सन। पर्सन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, एक सब्जेक्ट पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट में, पर्सन में, प्लीज वॉच दैट वीडियो। इज इट क्लियर? शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। हियर यस्टरडे इज अ स्पेसिफिक टाइम। इज इट क्लियर? कल वह गाना गा रही थी। शी, यहाँ पे किसके साथ मैंने वॉज का यूज किया है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, यू वर बीचिंग हिम ऑन द रोड। तो उसे रोड पे मार रहे थे। इज इट क्लियर? यू वर बीचिंग हिम ऑन द रोड। तुम उसे रोड पे मार रहे थे। इज इट क्लियर? या पीट रहे थे, बीटिंग, पीट रहे थे। यू हियर इज द सेकेंड पर्सन। ठीक है, इज इट क्लियर? यू इज द योर सेकेंड पर्सन, दैट्स वाई यूज योर वर्क। यू के साथ यहाँ पे वर्क का यूज करेंगे गाइज। इज इट क्लियर? तो दिस लाइक शो द वॉट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या? एंड वॉट्स द हेल्पिंग ऑफ द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? विच सब्जेक्ट यू कैन यूज द
both helping verb was and were here. Is it clear? Okay. So guys, these are showing the sentence construction of the past continuous tense. So चलिए हम देखते हैं sentence construction past continuous tense में हम in affirmative case, in negative case and interrogative and into negative. इन चार फॉर्म्स के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे हमको करना है चलिए वो हम देखते हैं वन बाय वन. इन द केस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट हियर द सब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट हियर द सब्जेक्ट देन यू पुट द वर्ज एंड वोर देन वो प्लस आई एन जी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर? एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड थिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल for you put the verb in a case of ing form and was and were. Two things is very important. First thing is the helping verb is a was and were. Second thing is the verb should be in ing form. Is it clear? For example, Rohan was going to school. Rohan school ja raha tha. Is it clear? Here go is the first form and plus ing. बहुत सिंपल है गाइस. सबसे पहले हमको सब्जेक्ट पुट करना है. देन यू पुट हियर द वर्ज एंड वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. देन यू पुट अ वर्ब प्लस आई एन जी फॉर्म. देन यू पुट द ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर? इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. सेकेंड वन इज अ वी वर हैविंग डिनर. हम डिनर खा रहे थे या ले रहे थे. क्लियर? एंड सेकेंड केस ऑफ निगेटिव सब्जेक्ट वर्ज एंड वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब इन आई एन जी फॉर्म. देन यू पुट हियर द ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर? एंड हाउ कैन मेक अ सेंटेंस ओवर इट. रोहन वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल. रोहन स्कूल नहीं जा रहा था. सेकेंड एग्जाम्पल वी वर नॉट हैविंग डिनर. हम डिनर नहीं ले रहे थे. इज इट क्लियर? एंड सेकेंड इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव सेंस में वो कैसे बना? देर आर टू फॉर्म्स ऑफ द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. इन द केस ऑफ इंट्रोगेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट डब्ल्यू एच फैमिली एंड विथ डब्ल्यू एच फैमिली. दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस. एक डब्ल्यू एच फैमिली के साथ, एक विदाउट डब्ल्यू एच फैमिली के साथ. जब हम किसी से स्टेटमेंट और रीज़न जानते हैं तो वहाँ पर हमको डब्ल्यू एच फैमिली पुट करना होता है. अगर हम किसी से सिंपल येस और नो में आंसर जानना चाहते हैं तो नो नीड टू यूज द हियर डब्ल्यू एच फैमिली. यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन विथ हेल्पिंग वर्ब. लेट्स सी यू फर्स्ट क्वेश्चन से व्हाई वॉज रोहन गोइंग टू स्कूल. रोहन स्कूल क्यों जा रहा था. ओके. एंड सेकेंड क्वेश्चन वर वी हैविंग डिनर. हम डिनर क्या हम डिनर ले रहे थे या कर रहे थे. इज इट क्लियर? तो हाँ हम कर रहे थे. अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई वॉज रोहन गोइंग टू स्कूल. रोहन स्कूल क्यों जा रहा था तो फॉर स्टडी. ठीक है, पढ़ने के लिए ज़्यादा. रोहन आपका आंसर कैसा लोगे? रोहन वॉज गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी. इज इट क्लियर? यहाँ पे दिख रहा है कि आप यहाँ पे कोई आंसर दोगे, रीज़न बताओगे, स्टेटमेंट दोगे. ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे हम केवल यस और नो में देते हैं. अगर इसको हम विदाउट डब्ल्यू एच फैमिली में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन चाहें वॉज रोहन कैन हाइड दिस डब्ल्यू एच फैमिली. वॉज रोहन गोइंग टू स्कूल. क्या रोहन स्कूल जा रहा था? यस, रोहन वॉज गोइंग टू स्कूल. अगर नहीं जा रहा था, नो, रोहन वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल. इज इट क्लियर? इन द केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट द डब्ल्यू एच फैमिली, देन यू पुट द हेल्पिंग वर्ब, देन यू पुट द सब्जेक्ट, देन यू पुट नॉट वर्ब आई एन जी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर? सेम ही होता है, बस यहाँ पे नेगेटिव. क्या रोहन स्कूल नहीं जा रहा था? ठीक है, क्यों रोहन स्कूल नहीं जा रहा था? पूछते ना इस टाइप के क्वेश्चन. क्यों पापा ऑफिस नहीं जा रहे थे? क्यों मम्मी मार्केट नहीं जा रही थी? क्यों भाई पढ़ाई नहीं कर रहा था? क्यों वो खाना नहीं बना रही थी? देखो यहाँ पे दोनों ही आ रहे हैं, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बोथ. इज इट क्लियर? सेम हम एग्जाम्पल्स से यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे. वाई वॉज रोहन नॉट गोइंग टू स्कूल. रोहन स्कूल क्यों नहीं जा रहा था? इज इट क्लियर? एंड सेकेंड एग्जाम्पल वर वी नॉट हैविंग डिनर. क्या हम डिनर नहीं ले रहे थे? इज इट क्लियर? सिंपल है गाइस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज अ वेरी सिंपल. आई विल शो द मोर एग्जाम्पल आफ्टर डैट इन अ केस ऑफ अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंटो नेगेटिव. लेट्स से द नेक्स्ट स्लाइड. वन मोर एग्जाम्पल. यस्टरडे
When I went to her home, she was studying. Is it clear? कल जब मैं उसके घर गई वह पढ़ाई कर रही थी. Here are two tense here. आप बताओ इसमें दो tense का मैंने use किया है. Yesterday, when I went to her home, she was studying. First, from when I went to her home, this one is the past indefinite tense. From here up to this one is the past indefinite tense. Here past indefinite tense, and from here she was studying. Wah padhai kar rahi thi. This sentence is past continuous tense. Past continuous tense, guys. Okay. Here I use two tense here. First one is the when I went to her home. ये क्या है? First sentence past indefinite tense है. She was studying. वह पढ़ाई कर रही थी. जब मैं उसके घर कल गई वह पढ़ाई कर रही थी. Here I use two tense here. First sentence past indefinite tense. Second sentence is a past continuous tense. ऐसे हम बोलते हैं ना, जब मैं कल मार्केट गई वह शॉपिंग कर रही थी. ठीक है, जब मैं स्कूल गई तो मैम पढ़ा रही थी, जब मैं घर आई तो मम्मी खाना बना रही थी. यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का, मैंने क्लासेस लिया है उसको आप में क्लियर हो जाएगी. जब हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते हैं पास्ट एंड डेफिनेट टेंस इन द पॉजिटिव सेज, आई यूज वर्ली द वर्ब इन द सेकेंड फॉर्म. हियर आई वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म इज अ गो वेंट. जब मैं उसके घर गई वो पढ़ाई कर रही थी. शी के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं एंड वो फिर बीट में आई एन जी फॉर्म. इज इट क्लियर? आई विल शो द नेक्स्ट लाइन सम मोर एग्जाम्पल अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंस. लेट्स हियर सम मोर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. फर्स्ट एग्जाम्पल से, जब मैं स्कूल जा रहा था. व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल. इज इट क्लियर? हाउ कैन मेक अ सेंटेंस When I was going to school. Second example, 9 साल की एक सुंदर लड़की टोकरियाँ बेच रही थी. Is it clear? See, a beautiful girl of 9 was selling baskets. Second, वहाँ एक शरारती लड़का खड़ा था. A naughty boy was standing there. Is it clear? And next one, वह उसे टकटकी लगातार देख रहा था. शी वॉज स्टेयरिंग हर. कॉन्टिन्यूस किसी को देखना, घूरना. आई यूज योर स्टेयरिंग. योर मीनिंग इज द स्टेयरिंग. स्टेयरिंग. ओके, नेक्स्ट वन एग्जाम्पल शोइंग इन केस ऑफ निगेटिव. मैं अपने कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था. मैं अपने कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था. आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर सिटिंग इन माई रूम. ओके, एंड सेकेंड एग्जाम्पल, वह फ़ोन पर मुझे बात नहीं कर रही थी. वह मुझसे फ़ोन पर बात नहीं कर रही थी. तो शी वॉज नॉट टॉकिंग टू मी बाई फोन. क्लियर? एंड नेक्स्ट वन, वे मैदान में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहा था. दे वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर सिटिंग इन द फील्ड. क्लियर? एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह अपनी क्लास में शोर नहीं मचा रहे थे. वी वर नॉट मेकिंग नॉइज इन आवर क्लास. नेक्स्ट, नौकर बाजार से सब्जी नहीं ला रहा था. द सर्वेंट वॉज नॉट ब्रिंगिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट. क्लियर गाइज? ही इज ऑल द एग्जाम्पल रिलेटेड टू द निगेटिव सेंस. एंड नेक्स्ट लाइन शो द इन द केस ऑफ इंट्रोगेटिव एंड अदर लाइन शो इंट्रो निगेटिव सेंस. क्लियर? Can watch all the examples related to the interrogative, all these examples, and next intro negative sentences you do practice at your home, and I will show the practice exercise for you. All these from 1 to 20, this one is the practice exercise to solve your at your home for more practice and practice, because practice makes manner perfect, guys. To past continuous tense is a very easy. I will recap the my class.
Today I discuss really about the past continuous tense and some examples of the past continuous tense. How can construct the sentence in a past continuous tense and important past continuous tense. First one is the helping word was and were. With which subject I can use was and were. And second thing is the verb should be in ing form. Is it clear? And very important thing is was not का contraction होता है wasn't guys. Is it clear? The contraction of the was not and wasn't and were not contraction is weren't. Is it clear? Okay guys, here is the negatives and was not and weren't. The contraction of was not and weren't is that you can use the contraction wasn't contraction use karte hain. And second one is the were not. Weren't contraction. Is it clear? Contraction of was not and were not ka contraction maine bataya wasn't and weren't. Is it clear? So I hope guys आपको ये क्लासेस अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी. पास्ट कॉन्टिन्यूअस इन वेरी सिंपल टेंस हियर. एंड इन द लेट्स क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेंस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.